हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग आ चुके हैं, जो नहीं आए हैं आप उनको इन्फॉर्म कर दें। जो भी यहाँ जुड़ गए हैं वो सभी दो लोगों को इन्फॉर्म करें, शेयर करें वीडियो, ताकि वो भी जुड़ सकें यहाँ पर और टेस्ट दे सकें। लास्ट जो सिक्स क्लास का टेस्ट जिस जिस बच्चे ने दिया था उनको पता होगा कि क्वेश्चन का लेवल जो है वो कैसा होता है। क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, जैसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। और देखिए, यहाँ पर जितने बच्चों ने यहाँ के टेस्ट क्लियर कर लिए सिक्स से लेकर टेंथ तक के, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या पॉलिटी हो, तो ये सोचिए उसका सिलेक्शन जो है वो 101% होगा ही। क्योंकि यहाँ पर केवल वही बात की गई है, वही चीज आपको पढ़ाई गई है जो कि आपके केवल एग्जाम में आने वाली है। हिस्ट्री के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिखा दिए थे कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आपके एग्जाम में यहाँ से ही क्वेश्चन आए हैं और यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए। आज आप लोगों का सेवंथ क्लास की संपूर्ण ज्योग्राफी का टेस्ट है। आपकी सिक्स और सेवंथ क्लास जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग सिक्स यूनिट कवर कर लेती है पूरा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो ये सभी क्लासेस हैं, तो छोटी क्लासेस समझकर आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि लास्ट जो जिसने भी एग्जाम दिया था उनको पता होगा कि सिक्स क्लास में कैसे कैसे क्वेश्चन जो है यहाँ पूछ लिए गए थे। यहाँ आरबीएससी की बुक्स से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोग तैयारी जो है वो और भी ज्यादा अच्छे से करिए। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर आप बैठे हैं, ईमानदारी से आप लोगों को बताना है। सभी के देखती हूँ मैं हर एक क्वेश्चन को कि किसने कितने आंसर सही दिए हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए, लास्ट वीडियो में कुछ बच्चे जिनके 35 तो नहीं लेकिन फिर भी ठीक ही आए हैं, जैसे राजेश के 32 आए हैं, सुनीता के 35 में से 35 आए हैं, मनीषा यादव के 32 आए हैं, अबेकस लर्निंग के 33 आए हैं, आरती सैनी के 32 आए हैं, शनि के 32 आए हैं, अमनदीप के 32 आए हैं। तो देखिए 35 में से इनके फिर भी ठीक हैं, लेकिन क्लास बहुत छोटी थी, मुझे लगता था सभी के 35 में से 35 आएंगे। तो चलो कोई बात नहीं, आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आज आप लोग बहुत अच्छे से टेस्ट करिएगा। क्वेश्चन वन है, प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 10,205 मीटर यह मापी जाती है। ऑप्शन देखिए, समुद्र तल से, भूतल से, भूतली से या समुद्र तली से। तो सर के वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंसेप्ट जो है वो सर ने बहुत अच्छे से क्लियर कराए हैं। तो बिल्कुल आप लोगों ने लगा लिया होगा। देखिए, इससे ज्यादा टाइम जो है वो आपको एग्जाम में भी नहीं मिलता है। तो प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत की ऊंचाई जो है वह कहां से मापी जाती है? आंसर देख लीजिए, जिसने भी किया है ऑप्शन डी, समुद्र तली से। ठीक है, समुद्र तल से नहीं, समुद्र तली से। चलिए, अपने आपको एक मार्क्स आप लिख लें जहां भी लिख रहे हैं। पर्वत से संबंधित वृष्टि छाया प्रदेश होता है, पवन मुखी ढाल क्षेत्र में, पवन विमुखी ढाल क्षेत्र में, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से लगाइए इसका सही आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहीं से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल लगा लिया होगा आप लोगों ने आंसर। चलिए, सही आंसर जो है वो देखिए, ऑप्शन बी है, पवन विमुखी ढाल क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री देखिए, हिमालय क्षेत्र में गर्मी में आने वाली जनजातियां नहीं है। नहीं वर्ड पर फोकस जरूर करना है, गद्दी जनजाति, भोटिया जनजाति, मुंडा जनजाति या बकरवाल जनजाति। तो फटाफट से सोचो इसका सही आंसर। बिल्कुल ऐसा सोचो जैसा कि आप रीट का एग्जाम दे रहे हो और बैठे हो एग्जाम हॉल में। तो लगा लिया होगा आपने आंसर। चलिए, अब मैं बताती हूं इसका सही आंसर, लास्ट में देखूंगी किसने सही किया। तो यहां है, मुंडा जो है वह हिमालय क्षेत्र में गर्मी में आने वाली जनजाति नहीं है। क्वेश्चन फोर है, मैदानों के संबंध में सही कथन नहीं है। लगभग समुद्र तली से 300 मीटर ऊंचे होते हैं, समुद्र समतल भूभाग होते हैं,
तटीय और आंतरिक प्रकार के होते हैं, लगभग समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचे होते हैं। तो यहां पर कौन सा कथन गलत है मैदानों के संबंध में? तो चलिए इसका राइट आंसर जो है वो आप देख लें, इसका सही आंसर क्या है? ए, लगभग समुद्र तली से 300 मीटर ऊंचे होते हैं। तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि यहां पर लिखा होता अगर समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचे होते हैं तो ये सही हो जाता, ठीक है। इसके अलावा मैदान जो है उनका समतल भूभाग होता है, तटीय और आंतरिक प्रकार के होते हैं, समुद्र तल से 300 मीटर ऊंचे होते हैं। चलिए क्वेश्चन जो है वो ध्यान से देखा करिए। मांझली द्वीप स्थित है, ऑप्शन देखिए, लक्षद्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अरब सागर में या ब्रह्मपुत्र नदी में। चलिए तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी में। चलिए आप लोगों का सही गया है, तो आप लोग अपने आप को एक नंबर जो है वो देंगे। और लास्ट में आपको बताना है प्रशांत महासागर की आकृति है कैसी है, त्रिभुजाकार है, गोलाकार है, चतुर्भुजाकार है या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन की एक एक लाइन जो है वो आपके चैप्टर में से ही है, आरबीएससी की बुक में से, तो कुछ भी बाहर से नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ आंसर रहेगा ऑप्शन ए, त्रिभुजाकार। तो आई होप सबका ही सही है। वायुमंडल का घटक नहीं है वाष्प कण, धूल कण, गैस या प्रकाश विकिरण। तो यहां पर जो आंसर रहेगा राइट वो रहेगा, अगर आपने लगाया है ऑप्शन डी, प्रकाश विकिरण को, तो ये वायुमंडल का घटक नहीं है। इसके अलावा वाष्प कण, धूल कण, गैस, ये सभी वायुमंडल के घटक हैं। वायुमंडलों का पृथ्वी से आकाश सही क्रम है, तो इन्हें क्रम से लगाना है, मध्य मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल। तो यहां पर आप क्रम से लगाइए और यहाँ ऑप्शन में देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर जो आंसर राइट होगा आप लोगों ने लगा लिया है। अब इसका सही आंसर जो है वो सभी देख लें। सबसे पहले क्या होता है, समताप मंडल होता है, ठीक है, उसके बाद मध्य मंडल आएगा, उसके बाद आयन मंडल आएगा और अंत में आएगा बहिर्मंडल, ठीक है। तो यहाँ पर समताप मंडल के ऊपर क्या है, मध्य मंडल, मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल, आयन मंडल के ऊपर बहिर्मंडल। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। शांत मंडल स्थित होता है शोभ व समताप मंडल के मध्य, समताप व मध्य मंडल के मध्य, आयन व बहिर्मंडल के मध्य या मध्य व आयन मंडल के मध्य। देखिए ज्योग्राफी ऐसी चीज होती है जिसमें कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। हिस्ट्री में आप लोग रट्टे लगाते हैं, याद करते हैं, यहां आपको समझने वाली बात है। जिसने ज्योग्राफी की चीजों को समझ लिया तो वो क्वेश्चन कैसे भी पूछ लिए जाए आप लोगों को वो आ जाते हैं। तो शांत मंडल स्थित होता है, कहाँ स्थित होता है, फटाफट से थोड़ा सा जल्दी से लगाइए आंसर। तो बिल्कुल यहाँ आंसर जो है वो जिन बच्चों ने किया है ऑप्शन ए को, शोभ और समताप मंडल के बीच
शांत मंडल स्थित होता है। वायुमंडल का सर्वाधिक वायु दाब होता है। पर्वत क्षेत्र पर, भूभाग पर, समुद्र तल पर या वायुमंडल के बाहरी भाग में। तो बिल्कुल आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा ऑप्शन सी, समुद्र तल पर सबसे ज्यादा वायु दाब होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11। पवन के संबंध में सही कथन है। निम्न से उच्च वायु दाब की ओर प्रवाहित, उच्च से निम्न वायु दाब की ओर प्रवाहित, वायु दाब से अप्रभावित या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो सही आंसर रहेगा वो आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी आंसर, उच्च से निम्न वायु दाब की ओर प्रवाहित। पवने कैसे चलती हैं? उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 12। अंत में मैं आपको बताऊंगी जिन बच्चों के क्वेश्चन जो है वो गलत होते हैं वो क्यों होते हैं। क्वेश्चन 12 है, वायु दाब मापने वाले यंत्र को कहा जाता है एरोमीटर, एनीनोमीटर, वोल्टमीटर या बैरोमीटर। तो सभी ने किया है और इसका आंसर जो है वह किसी का भी गलत नहीं। आंसर क्या है? डी, बैरोमीटर। चलिए नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन। समुद्र समीर के संबंध में सही कथन नहीं है। देखिए नहीं वर्ड जो है लगाकर एग्जामिनर जो है वो आपको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। फिर भी आपको पता होना चाहिए समुद्र समीर के बारे में क्या सही है। समुद्र से स्थल की ओर वायु गति, समुद्र में उच्च वायु दाब, स्थल में उच्च वायु दाब या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो गलत लाइन है वो क्या है? वो है कि समुद्र में उच्च वायु दाब समुद्र समीर के संबंध में सही नहीं है। यह समुद्र से स्थल की ओर वायु गति होती है इसमें, क्योंकि नाम से ही पता है समुद्र समीर यानी समुद्र से चलेगी। उसके बाद है स्थल में उच्च वायु दाब बनता है, ठीक है। तो यहां पर बी ऑप्शन जो है वह गलत है कि समुद्र में उच्च वायु दाब होता है। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में निम्न में से कौन सी पवने मुख्यतः होती हैं? व्यापारिक पवने, स्थानीय पवने, पछुआ पवने या उपरोक्त सभी। तो फटाफट से सही आंसर तक पहुंचिए कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कौन सी पवने होती हैं? तो यहां पर जो सही आंसर रहेगा, देख लीजिए यहां पर सही आंसर रहेगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पवन कौन सी होती है? व्यापारिक पवने होती हैं, ठीक है। ये सभी स्थायी पवनों के प्रकार हैं, व्यापारिक पवने, स्थानीय पवने और पछुआ पवने। तो देखिए नाम से ही पवनों का नाम है, ठीक है, इन्हीं से इनके नाम जो है वो पड़े हैं। जैसे कि पश्चिम से आ रही है तो पछुआ पवने, ठीक है। व्यापारिक पवने जो कि वर्ष भर चलती हैं। तो देखिए जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से ध्यान से सर की बात को सुना है तो उन्होंने ये आंसर सही किया होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 15। स्थानीय पवन का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? चिनुक पवन, लू पवन,
फोहन पवन या क्रिस्टल पवन। तो इसमें से स्थानीय पवनों का उदाहरण कौन सा नहीं है? बाकी तीन ऑप्शन स्थानीय पवनों के हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है आंसर आ गए हैं और देखिए सही आंसर क्या है, क्रिस्टल। ये जो है गलत है, क्रिस्टल जो है वो कोई भी स्थानीय भवन नहीं है। निम्न में किस स्थान पर संवहनीय वर्षा सर्वाधिक होती है? कर्क रेखा क्षेत्र में, विषुवतीय रेखा क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में या पर्वतीय क्षेत्र में? तो चलिए सबका आंसर जो है सही होगा, इस क्वेश्चन में किसी का गलत नहीं होगा। आंसर क्या है? ऑप्शन बी, विषुवतीय रेखा क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, देखिए अच्छे से। विश्व में होने वाली वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 123 सेंटीमीटर, 127 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर या 180 सेंटीमीटर? तो चलिए फटाफट से आंसर दीजिए क्योंकि हमें अभी भी काफी क्वेश्चन करने हैं। तो बिल्कुल सही आंसर क्या रहेगा, लगा लिया है बच्चों ने, तो आंसर क्या है, 117 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर। 18 क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? खासी नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में, गंगा नदी में या बंगाल की खाड़ी में? तो आंसर जो है वो सही आंसर रहेगा, बिल्कुल खासी नदी में। तो चलिए आप लोगों का सही होगा ऐसा मैं सोचती हूँ। 19 क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम नहीं है। तो यहाँ चक्रवात का नाम नहीं है, हरिकेन, टॉर्नेडो, विली विलीज या टाइफून? तो सोचिए इसी में आपका आंसर छुपा हुआ है। तो आंसर जो है वो क्या रहेगा, बिल्कुल जिन बच्चों ने लगाया ऑप्शन डी, टाइफून। ठीक है, हरिकेन, टॉर्नेडो और विलीविलीज ये सभी क्या है, चक्रवातों के नाम है। चक्रवात के संबंध में सही कथन है, केंद्र में वायुदाब उच्च होता है, परिधि में वायुदाब निम्न होता है, निरंतर बदलता है या इनमें से कोई नहीं? चक्रवात और प्रतिचक्रवात ये आपके देखिए सिलेबस में टॉपिक है। तो आपने लगाया होगा सही आंसर, बिल्कुल बहुत ध्यान से जिन बच्चों ने पढ़ा है चीजों को तो उन्होंने लगाया होगा ऑप्शन नंबर डी। और वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है कि केंद्र में वायुदाब उच्च होता है, जबकि चक्रवात में क्या होता है, केंद्र में वायुदाब निम्न होता है और परिधि में उच्च होता है। ठीक है, तो और निरंतर बदलता है, डी ऑप्शन सही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। प्रतिचक्रवात में दक्षिणी गोलार्ध में किस प्रकार घूमता है? प्रतिचक्रवात दक्षिणी गोलार्ध में किस प्रकार घूमता है? दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? यदि आपको चक्रवात का कंसेप्ट पता है तो आपको प्रतिचक्रवात का तो पता होना चाहिए कि बिल्कुल अपोजिट होता है उसके। तो बिल्कुल इसमें तो टाइम ही नहीं लगेगा, बच्चों ने फटाफट से लगा लिया है। तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसके अलावा आप लोग इनका जो हिंदी में इन्हें क्या बोलते हैं ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त है और एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त है, एग्जाम में आ सकता है हिंदी में भी।
सीन नदी के किनारे बसा हुआ प्रसिद्ध शहर है, तो ये क्वेश्चन जो है वो किसी का गलत नहीं होगा, रोम, पेरिस, लंदन या ज्यूरिख। तो बिल्कुल आप लोगों ने लगा लिया है, आंसर होगा कि सीन नदी के किनारे जो है वो क्या है, पेरिस शहर है, ठीक है। और जहां तक मुझे याद है लंदन थेम्स नदी के किनारे है, और जो रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे है, तो ये चीज आप लोगों ने याद की होगी। यहाँ पर सीन नदी के बारे में पूछा था, इसके किनारे क्या है, पेरिस शहर। मिशिगन के किनारे बसा हुआ शहर है शिकागो, श्रीनगर, पुष्कर या बफेलो। तो लगा लिया आपने आंसर, इसका आंसर जो है वो बिल्कुल सटीक है, वो है शिकागो, ठीक है। मिशिगन के किनारे कौन सा शहर है, शिकागो। नेक्स्ट देखिए 24 क्वेश्चन, फ्लोराइड फ्लोराइड युक्त जल पीने योग्य क्यों नहीं माना जाता। हृदय संबंधी रोगों का कारक है, हड्डियों संबंधी रोगों का कारक है, जीवाणु जनित रोगों का कारक है या विषाणु जनित रोगों का कारक है। तो आंसर क्या होगा, तो फ्लोराइड युक्त जल पीने से क्या होता है, आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हड्डियों संबंधी रोग होते हैं। नेक्स्ट 25 देखिए, जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण कानून किस वर्ष बना। अब कुछ बच्चे सोचते होंगे जिन्होंने आरबीएससी की बुक नहीं पढ़ी है, ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, पता नहीं कौन सी क्लासेस से आया है। तो देखिए क्वेश्चन आपकी 7th क्लास का है, जल प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण कानून किस वर्ष बना, 1947 में, 1953 में, 1986 में या 1974 में। तो यहां पर जिसने याद किया है उन्होंने लगाया है ऑप्शन नंबर डी, 1974। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में काजरी की स्थापना की गई, बाड़मेर में, जैसलमेर में, जयपुर में या जोधपुर में। देखिए नौकरी अगर लेनी है तो उसके लिए बारीकी से पढ़ना बहुत जरूरी है, जितना भी पढ़ो उतना आप बहुत क्लियरिटी के साथ पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। तो यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, काजरी की स्थापना जो है वो जोधपुर में की गई। चलिए ऑप्शन डी लगाया होगा आपने। 27 देखिए, विषुवत रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य मुख्यतः पाए जाने वाले वन हैं, सदाबहार वन, पतझड़ वन, भूमध्य सागरीय वन, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, सदाबहार वन। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, विश्व का फालुद्यन किसे कहा जाता है, भूमध्य सागरीय वनों को, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वनों को, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को या इनमें से कोई नहीं। वेरी गुड, इसमें तो किसी का भी नहीं गलत होगा कि विश्व का फालुद्यन किसे कहा जाता है, सभी ने याद किया हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही, बिल्कुल ऑप्शन ए, भूमध्य सागरीय वनों को। तो अपने आप को बिल्कुल मार्क्स दें सही उत्तर के लिए। उसने कटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, अटाकामा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल,
थार का मरुस्थल या गोबी मरुस्थल। मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, उष्ण और शीत, ठीक है। तो यहां पर ठंडे मरुस्थल और गर्म मरुस्थल, इसमें पूछा गया है गर्म मरुस्थल इनमें से कौन सा नहीं है। तो बिल्कुल आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन, गोबी मरुस्थल, जो कि कैसा है, एक ठंडा मरुस्थल है। इसके अलावा सहारा, थार का मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, ये सभी कैसे हैं, गर्म मरुस्थल हैं। चलिए 30 क्वेश्चन देखिए, खेजड़ली आंदोलन से संबंधित है। सभी ने पढ़ा होगा खेजड़ली आंदोलन के बारे में, पिपलांत्री, मृग उपवन, गौरा देवी या राजसमंद। तो बिल्कुल यहां पर जो आंसर कर रहे हैं पढ़ने वाले बच्चे, तो फटाफट से आंसर देते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा है कि यहां पर खेजड़ली आंदोलन से कौन सा शब्द जो है वो संबंधित है। तो बिल्कुल ऑप्शन बी है, मृग उपवन, ठीक है। तो जो अमृता देवी हैं उनके नाम पर ही मृग उपवन है, खेजड़ली आंदोलन से संबंधित है। 31 है, सिक्किम से संबंधित मौसमी प्रवासी जनजाति है, चपंगा, भूटिया, मोन्या या बकरवाल। तो यहां पर जो आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल हर क्वेश्चन जो है वो दिमाग खोलने वाला है, आपके दिमाग को झकझोर करके रख देगा। ऐसे क्वेश्चन है, चीजें जो है वो इस तरीके से याद होनी चाहिए अच्छे से, कि हर क्वेश्चन में दिमाग लगाना पड़े और उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना पड़े, क्योंकि 16.5 लाख बच्चों का सवाल है। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा भूटिया जनजाति। नेक्स्ट 32 देखिए, निम्न में से असत्य है, शरीर को गर्म हेतु पेय छंग कहते हैं, पत्थर और गारे से बनाए घर इनको खंपा कहते हैं सिक्किम में, दो पहाड़ों के मध्य भाग को बेसिन कहते हैं, या पहाड़ पर स्थित बर्फ की जो अथाह राशि है उसे हिमानी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी ऑप्शन है इसका मतलब ये है कि आपके हर एक क्वेश्चन जो है वह तीन चीजों को क्लियर करता है, जहां आपके असत्य पूछ लिया जाता है, यानी आपको तीन अगर आते हैं तो ही आप इसका सही आंसर दे पाओगे। तो आप लोगों ने लगा लिया होगा, यहाँ पर देखिए शरीर को गर्म हेतु पेय जो कि लद्दाख में जिसे छंग कहते हैं, बिल्कुल सही है। पत्थर और गारे से बनाए घर सिक्किम में इन्हें खंपा कहते हैं, पहाड़ पर स्थित बर्फ की जो अथाह राशि है उसे हिमानी कहते हैं, लेकिन दो पहाड़ों के मध्य भाग को बेसिन कहते हैं, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर यदि नदी लिखा होता तो हम सही इसको करते। नेक्स्ट है 33, भारत के मैदानी क्षेत्र का प्रकार नहीं है, जलोढ़, भावर, तराई या खादर। तो आप लोगों ने लगा लिया होगा क्योंकि यहां देखने पे ही पता चल रहा है सही आंसर, टाइम नहीं लगेगा। आंसर है जलोढ़, क्योंकि जलोढ़ तो क्या है, एक मिट्टी का प्रकार है। भारत के प्रायद्वीपीय भाग में पश्चिमी तटीय क्षेत्र नहीं है, काठियाबाड़ तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट या मालाबार तट। तो पूछा है यहाँ पर पश्चिमी तटीय क्षेत्र के कौन से भाग आपको पता है, यदि आपको तीन पता है तो आप सही आंसर तक पहुंच पाओगे। क्वेश्चन का लेवल देखिए बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है।
तो बिल्कुल यहाँ जो आंसर जिसने भी किया है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये पूर्वी तट क्षेत्र का भाग है, कोरोमंडल तट। ठीक है, तो याद कर लीजिए। इसके अलावा काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट, ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र के अंतर्गत है। सौर ऊर्जा जीव मंडल का भाग है, जैविक अजैविक उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सौर ऊर्जा जो है वह जीव मंडल का जैविक भाग है, अजैविक भाग है, दोनों ही है या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आंसर जो है वो बिल्कुल जिस बच्चे ने किया है ऑप्शन नंबर बी, अजैविक भाग है सौर ऊर्जा जीव मंडल का। तो आप लोगों ने 35 में से कितने सही किए हैं आपको एक तो ये बताना है। ठीक है, क्योंकि और एक भी क्वेश्चन जो है वो आपके जितना भी आप लोगों को पढ़ाया गया है उससे बिल्कुल बाहर नहीं है एक भी क्वेश्चन। तो थोड़ा सा तैयारी को और मजबूत कर लीजिए। अभी तो आपका एग्जाम जो है वो हो चुका होता, और आप लोगों की तैयारी कैसी है ये आप लोग महसूस भी कर रहे होंगे। तो देखिए इतने सारे बच्चों ने फॉर्म डाला है, तो उसके लिए तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए। आप लोग बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हो, तो बिल्कुल बहुत अच्छे से करेंगे। आगे के जो टेस्ट हैं उनकी फुल तैयारी में आप लोग जुड़ेंगे आएंगे, तो ये मेरा मानना है कि आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हो। इसके अलावा देखिए लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन था कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो भारत के किन राज्यों से गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है। तो वहां मैंने थोड़ा सा बता दिया था 8 राज्यों से, तो वो गलत था, 5 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, वो मेरे माइंड में उस वक्त आ गया था कि कर्क रेखा वाली बात, कि कर्क रेखा जो है वह 8 राज्यों को काटती है। तैयारी जो है वो और भी ज्यादा मजबूत करिएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आप लोग कैसे इनको याद करोगे, जिन बच्चों का नहीं हो पा रहा है, जो लोग गलत ज्यादा कर रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है। उसकी वजह ये है कि आप लोग सबसे पहले पीडीएफ आपको मिली है, आपने चैप्टर को लर्न किया, आपने फर्स्ट चैप्टर को लर्न किया, उसके बाद आप लोग यूट्यूब पर जो सर के वीडियोस पड़े हैं वहां फर्स्ट चैप्टर को आप सुनिए, पॉज करिए और हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। ये होती है अच्छी तैयारी। ठीक है, जहां पर आप खुद का आकलन खुद करें, उसके बाद यहाँ आकर आप टेस्ट दें। जैसा मैंने आपको बताया कि आप एक चैप्टर का पीडीएफ जो है वो आपने याद किया, उसके बाद आपने खुद का आकलन किया यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट चैप्टर से ही, तो आपके जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही रहेंगे, बिल्कुल गलत कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो तैयारी जो है वो इस तरीके से करिए। नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। चलिए तैयारी जो है वो करते रहिए, और आप लोग अपने मार्क्स बताइएगा कितने मार्क्स आप लोग आज लेकर आए हैं। तो बिल्कुल फुल मोटिवेशन के साथ, बिल्कुल निराश नहीं होना है किसी को भी, और अच्छे से तैयारी करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।